देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो जमुई झाझा से वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड रिपोर्टिंग। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, फुट ओवर ब्रिज का काम झाझा में शुरू हो चुका है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन का काम जो हमारे यहाँ IOW देख रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, उनसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट जो ग्राउंड पे क्या क्या काम हो रहा है, मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा। सर, अभी ये कहाँ तक काम पहुँचा है, यहाँ से क्या क्या होने जा रहा है? ये फाउंडेशन का कटिंग अभी शुरू हो रहा है। अच्छा। शुरू किया जा रहा है शुरू, और इसके बाद जो है इसका अगला फाउंडेशन उस साइड होगा। अच्छा। बीच में है, पहले तो अभी फाउंडेशन का काम शुरू हो गया। आज से काम आज शुरू से हो काम गया। स्टार्ट है, जेसीबी यही है, जेसीबी से अभी तुरंत हम लोग लगा रहे हैं। जी। मैंने अच्छा कोई ड्यूरेशन मिला होगा कि कितने दिनों में पूरा होना है कॉन्ट्रेक्टर को या फिर विभाग को? नहीं, इसका DOC है 11 महीना में बनके तैयार हो जाना है। दर्शकों, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग देना चाहता हूं, आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, आज से काम शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द झाझा की जनता को इस छोटे ओवरब्रिज से मुक्ति मिलने वाली। दूसरी खुशखबरी मैं आप लोगों को बताते चलूँ आपके हमारे चैनल के माध्यम से कि जो झाझा बटिया सोनो रेल लाइन को राष्ट्रपति ने कल ही मंजूरी दे दी है और उसके काम के लिए टेंडर भी निकल चुका है कि जमीन का सर्वे करना है, कैसे कैसे जाना है, उसका टेंडर ऑलरेडी निकल चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। ये झाझा जमुई बटिया चकाई की जनता को चिराग पासवान का बहुत बड़ा सौगात कहा जा सकता है। हम लोगों को बहुत ही चिर परिचित मांगता है, जो सोनो के लोग हैं, जो बटिया के लोग हैं, जिनको झाझा जमुई जाके ट्रेन पकड़नी पड़ती थी, उन लोगों का समस्या बहुत ही शीघ्र दूर होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है सोनो चकाई बटिया का, दर्शकों इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन पैसा अलॉट हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, ऐसे में काम युद्ध स्तर पर होना जरूरी मैं समझता हूँ कि होगा। दैनिक लाइव न्यूज 24 के लिए वीरेंद्र कुमार की झाझा से ग्राउंड रिपोर्टिंग। पर ब्रिज रैंप बनेगा, वो सीढ़ियाँ टोटल आके यहाँ से आके मिलेंगी। मैं IOW साहब से बात करना चाहूँगा। सर, ये जो प्रोजेक्ट आप दिखा रहे थे मुझे, तो सर कैसे कैसे क्या होगा? ये इधर इस साइड में है, ये पश्चिम साइड है, यहाँ पर इस साइड स्टेप होगा। अच्छा अच्छा। और ये FOB का उस साइड में, पूर्व साइड में, वहाँ पर रैंप होगा। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। जैसा कि अभी IOW बता रहे थे हेमराम साहब कि उधर जो है सो वो रैंप बनते हैं, वो यहाँ के सीढ़ियाँ बनेंगी और ये प्रोजेक्ट आज से स्टार्ट हो गया है। और जैसा कि मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, दर्शकों और भी बहुत सारी जानकारी आपके साथ तुरंत शेयर करता हूँ। आपको दिखाया था वहाँ से लेके जो है वो प्लेटफॉर्म बनेगा, और यहाँ जो देखिए दागी दिखाया जा रहा है, यहाँ से रैंप बनना है, जो अशक्त लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उन लोगों के लिए भी रैंप का इंतजाम करने जा रहा। और बताते चलो दर्शकों, ये 11 महीने में ये सारे प्रोजेक्ट को पूरा होना है। 4 करोड़ कुछ रुपया का ये फुट ओवर ब्रिज का प्रोजेक्ट है। मैं बात करके फिर आपको IOW से जानकारी देता हूँ। ये काम 11 महीने में पूरा होना है और चिराग पासवान का बहुत ही ये एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है। झाझा की तमाम जनता आज चिराग के ऊपर टकटकी लगा कर देख रहे हैं, विकास पुरुष के पुत्र हैं वो, इस ऐसे में लाजिमी बनता है कि लोग वहाँ उनसे उम्मीद करें। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो झाझा बटिया रेल लाइन का, उसको भी राष्ट्रपति ने मंजूरी दे चुके हैं और उसके ज़मीन का काम भी, उनका टेंडर निकल चुका है। हमारे प्लेटफॉर्म में है, झाझा प्लेटफॉर्म पर GFO भी बनना है। यहाँ से देखिए ये आपका CL05M दिया हुआ है और यहाँ से जो प्रोजेक्ट चलेगा, ये पुल जो बनना है यहाँ से लेकर उधर जाएगा, फिर वहाँ से वहाँ मुड़ना है। टोटल ये फुट ओवर ब्रिज का दाग दिया हुआ, हमारे साथ IOW हेमराम साहब साथ में है। और दर्शकों मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए पूरा यहाँ दाग दिया हुआ है फुट ओवर ब्रिज के लिए, यहाँ है, ये सारा जो है उस तरफ जाएगा, वो कंस्ट्रक्शन टूटेगा, उसके बाद फिर वहाँ से फिर सीढ़ियाँ बन के, ताकि मुसाफिर को 1 नंबर प्लेटफॉर्म से लेके 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक जाने में असुविधा नहीं। ये सेंट्रल लाइन है दर्शकों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फुट ओवर ब्रिज का, यहाँ से ब्रिज जाना है 3-4 प्लेटफॉर्म। दर्शकों ये प्लेटफॉर्म पर है जो निशान दिया गया है FOB के लिए। आज फुट ओवर ब्रिज का काम रात से ही लग गया है दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्य के लिए हमारे चैनल और खुद मैंने बहुत बार पहल किया है और आज से खुदाई का काम JCB के द्वारा जारी। लंबा पानी है, लंबा लंबा
ओवर ब्रिज के लिए जेसीबी चल रहा है, खोदने के लिए खुदाई का काम जारी है। आज ही से माने कल रात से दर्शकों काम लग चुका है और 11 महीने में इस एफओबी को बनकर रैम के साथ तैयार होना है। जैसे कि आप जानते हैं लगभग 4 करोड़ प्लस का ये प्रोजेक्ट है। सांसद निधि सांसद चिराग पासवान के द्वारा दिया गया ये प्रोजेक्ट। आना है दर्शकों, मैं दिखाऊं आपको वहां से जो रैंक बन रैंप ये बन के आएगा, यहां से लेके आएगा। आईडब्ल्यू साहब ये बताएं, ये जो रैंप का दाग आपने दिया है यहां, ये रैंप बन के आना है, ये सारा कंस्ट्रक्शन टूटेगा? हां, ये पुरानी बिल्डिंग है, ये तो टूट जाएगी। जी जी जी, इसके लिए सब रिप्लेसमेंट होगा इसका। अच्छा अच्छा, चलिए काम शुरू हो। बात इसमें ECR का कर्मचारी यूनियन का जो चाकर नंबर 2 है, इस बिल्डिंग को भी टूटना है, इसको दूसरे जगह कहीं शिफ्ट किया जाएगा। जैसा कि आईडब्ल्यू साहब बता रहे थे कि ये भी बिल्डिंग टूटना है।